सर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये किला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, ओ, ओ। गाइस आवाज आ रही है, हर महादेव। हम के 7:30 बज रहे, चल हम अभी तक होटल नहीं पहुंचे हैं। राधे राधे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दिवंशी व्लॉगर्स। सो आज हम जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और मेरे साथ जा रही मेरी फ्रेंड्स और मे दी। आप ब्लॉग में एंड तक बने रहना, सुनते हैं वहीं पर। आरती तो एक्साइटेड है, चल चुके हैं और हम 40 मिनट में पहुँच जाएंगे, देन उसके बाद फिर वहाँ से हम बस लेंगे और वहीं चल के पता चलेगा हम जा कर रहे हैं। मतलब हम जा रहे हैं अपनी बस के लिए, और ये यहाँ पर इनकी हालत अभी से डाउन हो गई है, पता नहीं आगे चल के इनका क्या होगा। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए आप व्लॉग में एंड तक बने रहना, और आपको सुबह ही पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है। सो काफ़ी एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। सो लेट्स सी, मिलते हैं मॉर्निंग में। आरती एक्साइटेड है, फाइनली पहुँच चुके हैं थोड़ी देर के लिए ढाबे पर, और 20 मिनट्स का ब्रेक है, देन उसके बाद हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, पता बता मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ आ रहे। सो ये हम दोनों की ट्रिप है और हमारी फर्स्ट ट्रिप होगी जिसमें आरती और मैं साथ में आएंगे। तो चलो चलते हैं। वेरी गुड, अच्छा काम कर रही है कल, इसलिए तो लाई थी। हम जा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कसोल, और अभी यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और मेरे साथ अभी फिलहाल आरती है। और थोड़ी देर में आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, उससे पहले आप यहाँ का व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा है। फिर सर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, दूर दूर लोग बाग मिलो ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये है भी ना हो किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, एंड यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा है होटल, तो अब हम जा रहे हैं होटल, एंड पीछे सब आ ही रहे हैं। फिर से जला। गाइस यहाँ से हम अभी कसौल आ गए, एंड यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा होटल। अब हम जा रहे हैं होटल, और यहाँ का व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, एक बार आप व्यू चेक करो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। चले
आर्टी को तो भाई वॉमिटिंग हो गई है यहाँ पर, और इसकी हालत तो अभी से डाउन हो गई है, पता नहीं क्या है। और ये हाथों व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये है मेरी दी मेरे साथ, ये है आरती। आप पता कैसा लग रहा है वॉमिटिंग करके? अच्छा, अब अच्छा लगेगा। अपना होटल एंड ये हमारे होटल का फाइव स्टार व्यू है, देख सकते हैं। मैं आपको होटल दिखा देती हूँ अपना कैसा पास है। एंड ये हमारा होटल का बाहर का व्यू। ये वेट करने का हमने रूम ले लिया, जो हमने लास्ट रूम देखा था वो काफ़ी सही नहीं था, तो हमने दोबारा से रूम देखा है। उसके बाद हम जाते हैं, वो बहुत टॉप पे है, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम। अभी तो चलते चलते हालत ख़राब हो गई बट हमारा रूम नहीं आया अभी तक। जितनी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पर, और ये साइड का व्यू, और अभी हम चले गए ऊपर, रूम नहीं आया है। रूम वो है स्टॉप पर। काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा व्यू। आप यहाँ का व्यू भी देखना कितना बढ़िया है, यहाँ बालकनी वगैरह सब एकदम बढ़िया है। लेकिन यहाँ ये है कि बहुत चलकर फिर ऊपर टॉप पे जाके मिलेगा आपको। सो गाइस ये हमारा रूम है, नो बेड, नहीं वॉशरूम, एंड ये हमारा बाहर का व्यू है। बाहर का व्यू है, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको। हाँ, और बाहर हम कुछ खाना पीना है वो खा सकते हैं। और ये हमारी बालकनी है। सो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा रेडी होने, फिर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी यहाँ पर घूमना फिरना करेंगे। और आप तो आए हमारे साथ ब्लॉग में, तो पता चली जाएगा क्या करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। बाल हो चुके रेडी, और हम दोनों का आउटफिट एकदम सेम है, ब्लैक एंड रेड दोनों। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने, सो चलते हैं खाना खाने के लिए। आ रहे हैं, हमारे रूम से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वाटरफॉल, वो देखने। और यहाँ का माहौल काफ़ी प्यारा है, तो चलो चलते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जब जितना जितना ऊपर पहुँच रही हूँ, उतनी हमारी सांसें थमती जा रही हैं। रास्ता आप देख लो कैसा भाई। आरती कैसा लग रहा है? बस बड़ा लग रहा है, बस इतने में ही। अभी तो और चलना भाई, अभी तक पूरा ट्रैक है भाई साहब। थकान हो रही है, गर्मी भी लग रही है, ठंडा भी मौसम है, एक अलग ही वेदर है यहाँ का। तो ओए कालू राम, ये कालू हमारा दोस्त हमारे साथ जा रहा है ट्रैकिंग पे, चढ़ते चढ़ते। और ट्रैकिंग ख़त्म नहीं हो रही, और व्यू देखो आप कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। और ट्रैकिंग ख़त्म नहीं हो रही है भाई साहब, भाई साहब बहुत नैरो रास्ता है, बहुत ज़्यादा नैरो है। ये देखो, अगर पैर स्लिप हो गया ना तो सीधा इधर। गधे है ना ये अंकल? गधे हैं? गधे नहीं है, घोड़े हैं। खच्चर है, खच्चर है। तुम गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तू आ गया क्या? मेरा फिसला मस्ता चला, मैं जाना ले चला।
गाइज हम बहुत ज़्यादा टॉप पर आ चुके हैं एंड पीछे का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई साहब। A few moments later. Hold, hold, Mahadev! Hold, hold, Mahadev! Guys, आवाज आ रही है। Hold, Mahadev! ना ऊपर आ गए, इसके बादल चढ़ना नहीं है। मैं समझ नहीं आ रहा क्या करें। 8 किलोमीटर और नहीं भाई, चलो वापस, हमारे बस की नहीं है। 8 किलोमीटर ऊपर और इसके बाद गांव है, गांव के बाद झरना। कितनी देर में पहुंचेंगे फिर? मैं 2 बजे गया था, अब आया हूँ घूमता फिर। मैं 2 बजे गया था बेटा। ओ भाई साहब, 2 बजे गए थे, अब आए हैं अंकल। अंकल झज्जर से आए हो? झज्जर से। ओ भाई साहब, एक अंकल मिले वो 2 बजे गए हुए थे और वो कह रहे हैं कि अभी हमें यहाँ से 8 किलोमीटर और ऊपर जाना, इसके बाद गांव आएगा, गांव के बाद झरना आएगा। इसका मतलब हमारी जो मेहनत इतनी ऊपर तक हमारे वेस्ट गई और हमारा गला और दर्द हो रहा है। हम इतने टॉप पर आ गए, उसके बाद भी अभी 8 किलोमीटर और चढ़ना है, तो अब तो भाई मुश्किल है। अब हम सोच रहे हैं कि वापस से जाते हैं घर पर जाने का, क्योंकि उन्होंने बताया कि 8 किलोमीटर अभी रसोल है, रसोल के बाद फिर हमारा झरना। देखिए वो भी छोटा मोटा जो झरना है जो यहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया था, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वर्थ इट नहीं है हमें ऊपर जाना। तो हमने सोचा कि चल जाते, क्योंकि आते रहे अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पर ना हमारे पास टॉर्च है ना कोई संसाधन है, तो अंधेरा हो जाएगा फिर कैसे जाएंगे हम। इसलिए हम सोचा कि अब सीधा होटल चल लेते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ी मार्केट हम कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा घूम लेंगे और रिवर साइड का भी थोड़ा सा। जितने भी यहाँ पर लोग थे लोकल से, उन्होंने हमें बताया कि ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा झरना है, तो उस झरने के लिए हम इतना ऊपर जाए क्योंकि वर्थ इट नहीं लग रहा, टाइम वेस्ट है बस। तो अब चलते हैं, ऊपर की झरना है बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर है, बड़ा सा है। कितना टाइम लगेगा यहाँ से झरने में? बहुत दूर है, 2 घंटे लगेंगे अभी। 2 घंटे और लगेंगे? 2 घंटे आप तो। ओ भाई साहब, और ये जो झरना मैंने आपको दिखाया उससे थोड़ा सा बड़ा बता रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ पर लोकल्स हैं ये ऊपर जा रहे हैं, वो खुद कह रहे कि हमें अभी 2 घंटे लगेंगे और आप धीरे धीरे आओगे तो पता कितना टाइम लगेगा। सो आपने देखा, देख ही लिया, और मैं आपको यहाँ से झरना दिखाती हूँ जो ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, इसी झरना के बराबर है ये, देखिए बस थोड़ा सा बड़ा है। तो कोई फ़ायदा नहीं भाई ऊपर जाने का, कोई फ़ायदा नहीं। ये 7 बज गए और हम अभी तक नहीं उतरे हैं। क्या तेरे को मजा आया आज ट्रैकिंग पे? हाँ यार बहुत मजा। और कल के ट्रैकिंग के लिए तू एक्साइटेड है? हाँ बहुत। जोर से बोल। बहुत। ठीक है, शाम के 7:30 बज रहे, स्टिल हम अभी तक होटल नहीं पहुंचे हैं। एंड मतलब बीच बीच रुक रहे हैं, फिर व्यू ले रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर व्यू ले रहे हैं, ना मन नहीं भरा। मतलब सुकून है, एक सुकून मिलता है ना, सुकून जो हम बोलते हैं वो यहाँ के मिल रहा है। तो सीरियसली इतनी अच्छी हवा, जाने का मन नहीं हो रहा ना। और जो उसकी साउंड आ रही है पानी की, भाई एक नंबर है, भाई एक नंबर है, सच बता रही हूँ मैं, मज़ा ही आ गया। और भाई यहाँ के जानवर और पक्षी भी बहुत सुंदर है सच्ची में। चलो चलते हैं, देखते हैं होटल पे कब तक पहुँचेंगे। उन्होंने बेड लगाया हमारे लिए, दिख गया यहाँ पर, और वो है हमारा होटल। जैसे कि ये पहाड़ चढ़ा तुम्हारे लिए शायद ये सिर्फ ट्रैकिंग। हम आ चुके अपने होटल। जिंदगी के मजे यही है सच्ची में, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
साथ में दोस्तों और खूबसूरत नजारा। One hour later. कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करा, ठीक है अब कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट घूमेंगे, उसके बाद थोड़ा सा खा पी कर आ जाएंगे वापस से होटल पे। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस ये है हमारा होटल और ये है हमारा नाइट का व्यू, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और अब हम जा रहे हैं मार्केट करने कसोल की, तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ का व्यू तो बहुत प्यारा, बट जो हमने ट्रैक यूज़ करा वहाँ पर फ़ोन की लाइट का यूज़ करना पड़ता है और पूरे ट्रैक पे आपको कहीं लाइट नहीं मिलेगी। वन आर के बाद हम आ चुके हैं कसोल की मार्केट में, यहाँ सारे ढाबे में कुछ खाने के लिए। खाना खाने के बाद अभी हम कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके बाद चलते हैं थोड़ी बहुत मार्केट एक्सप्लोर करके, उसके बाद हम होटल जाएंगे, थोड़ी मस्ती करके फिर सो जाएंगे। होटल एंड उसके बाद हमारा ब्लॉग एंड होता है, फिर मिलते हैं कल सुबह, ठीक है गाइस। फाइनली हम आ चुके हैं होटल पे और आफ्टर 2 आवर्स हम ट्रैकिंग करके दोबारा से आए हैं होटल पे और अब बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, पूरे दिन इतनी ट्रैकिंग करी है, हमारी शक्ल पर दिख रही है। सो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, राधे राधे।